नमस्कार दोस्तों, श्रीराधे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिष विद योम बास शास्त्री। मित्रों, आज हम बात करेंगे त्रयोदशी अर्थात धनतेरस को यम का दिया कैसे जलाएं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस स्थान पे जलाएं, किस दिशा में जलाएं, कब जलाएं और जलाने की क्या प्रक्रिया है और इसके क्या लाभ है और न जलाने की क्या हानि है। सबसे पहले दीपावली माँ लक्ष्मी की उपासना का व्रत माना जाता है। धनतेरस के दिन औषधि के देवता का जन्म माना जाता है। समुद्र मंथन में धनतेरस के देवता ने हाथ में अमृत लिए हुए अपना प्रगटीकरण प्रथम बार सृष्टि के लिए किया था और समुद्र मंथन से ही माता लक्ष्मी का जन्म हुआ है। दीपावली के पहले ही कुबेर महाराज की पूजा, गणेश जी की पूजा, सबकी पूजा शुरू हो जाती है जिससे मां लक्ष्मी के आगमन की सूचना सबको प्राप्त हो जाए। यम के दीप की अगर हम बात करें तो यम अर्थात मृत्यु के देवता, जिनके पिता सूर्य हैं और जिनके सहोदर भाई शनि देव को माना जाता है। यम को कहा जाता है कि यह आदमी के कर्म के लेखा जोखा के अनुसार उसको मृत्यु प्रदान करते हैं। कई बार हमसे भूल चूक और गलती होती है जिस कारण से लोगों के जीवन में अकाल मृत्यु की घटनाएं होती हैं। बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके घर में अकाल मृत्यु बार बार देखी जाती है। इस अकाल मृत्यु को खत्म करने के लिए फिर से घर में ना हो, दीपावली से पहले त्रयोदशी को अर्थात धनतेरस के दिन यम को दिया देकर अपने घर को सुरक्षित किया जा सकता है। इस दीप को देने से पहले क्या क्या सावधानी रखनी है। सबसे पहले घर के सारे लोग सूर्यास्त के बाद रात्रि में पूजा आदि करने के बाद एकत्रित हों। जो घर का सबसे बड़ा हो वही दीप जलाए, वही दीप बनाए और जलाए भी। दीप बनाना कैसे है? एक ऐसा दीपक लेना है जो चार बत्तियों वाला हो। अगर ऐसा नहीं है तो एक ही दीप में आप चार बत्तियां लगा लें और इस दीप को घर से बाहर ले जाने से पहले घर के सभी लोग उसको प्रणाम करेंगे और यम से प्रार्थना करेंगे कि हमारे घर में कोई भी निगेटिव घटना या अनिष्ट घटना ना हो, सबकी आयु बढ़े, हमारे जो पूर्वज पितर जिनकी अकाल मृत्यु हुई है उनको शांति मिले, उनको नया जन्म प्राप्त हो, उनको भगवान अपनी शरण में ले। दीप को जलाने के बाद घर से बाहर ले जाना है। किस दिशा में ले जाकर रखना है? दक्षिण। कारण क्या है? जब आप वास्तु पढ़ेंगे या वास्तु के बारे में जानेंगे तो आप पाएंगे कि यम की दिशा दक्षिण मानी गई है। अगर दक्षिण दिशा है तो उनके दीपक को दक्षिण दिशा में ही ले जाना है। स्थान की बात करते हैं। ऐसे कहा जाता है जब पहले के जमाने में शहरीकरण नहीं था तो दीप को जहां पर गांव का या घर का कूड़ा स्थान होता था वहीं पर उसको रखा जाता था। आज के टाइम में अगर कूड़ा स्थान नहीं मिलता है तो आप किसी बड़े नाले के पास या घर के दक्षिण दिशा में कहीं भी ले जाकर रख सकते हैं। अगर ये सारी स्थितियां नहीं हो पाती हैं तो कोशिश करें घर के बाहर रखें, लेकिन दक्षिण दिशा में अगर ले जाते हैं तो श्रेष्ठ माना जाएगा। अब दीपक ले जाने के बाद किन चीजों का विशेष ध्यान रखना है? कभी भी दीपक को बिना आसन दिए नहीं रखना चाहिए। तो आसन देने के लिए क्या किया जाए? आसन देने के लिए थोड़ा सा अक्षत या चावल पहले रख दिया जाए, फिर उसको उसके ऊपर दीपक को लगा दिया जाए। आसन के बिना कभी भी किसी प्रकार का दीपक नहीं जलाना चाहिए और दीपक रखने के बाद मन ही मन प्रणाम करना चाहिए और कामना करनी चाहिए कि यमदेव हमारे दीपक को आप स्वीकार करें और हमारे पूरे परिवार को सुख समृद्धि और आयु प्रदान करें। इस तरह से यम के दीपक को करना सबसे शुभ माना जाता है। कहा जाता है त्रयोदशी के दिन
जो भी शुभ कार्य किया जाता है वह 13 गुना अधिक फलदायी होता है। त्रयोदशी के दिन और धनतेरस के दिन, जिसको धनतेरस भी कहा जाता है, इस दिन प्रदोष काल में अर्थात सूर्यास्त के बाद का जो समय होता है उस समय में जो भी पूजा की जाती है वह कई गुना फलदायी होती है। इसीलिए इस दिन कुबेर की पूजा, गणेश की पूजा, यम की पूजा, सबकी पूजा की जाती है जिससे घर में सुख और समृद्धि आ सके। मित्रों, आपको इससे संबंधित कोई और प्रश्न हो, यम के दीप से संबंधित, आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को छोड़ सकते हैं। कुंडली दिखानी हो, वास्तु के बारे में जानना हो या ज्योतिष सीखना हो तो दिए नंबर पर कॉल करके हमसे सीधे बात कर सकते हैं। और हाँ, अभी तक अगर आप ज्योतिष पंचांग के सदस्य नहीं बने हैं अर्थात आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हृदय से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए 13 गुना नहीं 30 गुना 300 गुना धनतेरस फलदायी हो, ऐसी हम शुभकामना करते हैं। जय माँ लक्ष्मी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।